गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, वेलकम टू एक्सरसाइज सिंप्लीफिकेशन 5.2, 23rd September 2020। भैया बहनों, अभी तक हमने सरलीकरण के कुछ सवाल सीखे, उन सवालों में अब हम आज देखेंगे कि हम सरलीकरण के ब्रैकेट वाले, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक वाले सवालों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 9 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 10 को आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, आप उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 9 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखने में लग रहा है बहुत कठिन है लेकिन है उतना ही आसान। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 माइनस बिग ब्रैकेट 8 माइनस 4 माइनस करली ब्रैकेट 16 ऑफ 3 माइनस 39 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, सब ऑफ हो गए। यहाँ इसको ऑफ बोलते हैं, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑन एंड ब्रैकेट ऑन। और आगे हम इस ब्रैकेट को किस प्रकार से हल करते हैं वो हम सीखेंगे। इन सवालों में हम एक बात ध्यान रखेंगे, अब पहले काकू कीजिए दूजा भागा जान वाला नियम ब्रैकेट के अनुसार लागू होगा, कोष्टक के अनुसार लागू होगा। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बार ब्रैकेट इसमें नहीं है लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में है बार ब्रैकेट, यहाँ बार नहीं है, छोड़ देंगे। स्मॉल ब्रैकेट पहले है, 6 डिवाइडेड बाय 2 बार ब्रैकेट है, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्व किया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 की टेबल 6 तक 2 3 जा, और जैसे शेष चीजें जैसे थी वैसे की वैसी ही उतर गई, शेष सारी चीजों को अगली लाइन में वैसे का वैसे हमने सॉल्व कर दिया और स्मॉल ब्रैकेट हट भी गया, ओपन हो गया। 10 माइनस बिग ब्रैकेट 8 माइनस 4 माइनस करली ब्रैकेट 16 ऑफ 3 माइनस 39 माइनस, इधर तक तो इसी में था, यह हमने 3 जो है ये सॉल्व सॉल्यूशन करके आया है। अगली लाइन में अब हम ऑफ को हल करेंगे, करली ब्रैकेट, अब नंबर है करली ब्रैकेट का, करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। करली ब्रैकेट में सबसे पहले ऑफ है, ऑफ मीन्स का मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अब हम 16 मल्टीप्लाई बाई 3, हाउ मच इट इज, 16 3 जा 16 1 जा 16 16 2 जा 32 16 3 जा 48, बाकी जैसा था वैसा का वैसा ही हमने ऊपर वाली लाइन को देखना, सबसे टॉप नहीं जाना, ऊपर वाली लाइन में जैसा था वैसा का वैसा ही यहाँ लिखना है। 48 इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, 16 × 3 = 48, प्रोडक्ट ऑफ 16 × 3 माइनस 39 माइनस 3। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इसलिए इन दोनों को प्लस तो करेंगे और साइन आएगा माइनस का, ये ध्यान रखना है। इन दोनों को प्लस तो करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे और साइन आएगा माइनस का, इधर पर ध्यान से सुनना है। 39 हमने एक जगह से लोन लिया, 3 एक जगह से लोन लिया, तो हमारे लोन का जो नंबर हो गया वो 42 हो गया, और वो है लोन ही, माइनस है, इसीलिए ये ध्यान देना है वो माइनस है, क्या है वो माइनस है। उसके पश्चात हम जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके हमने 42 निकाला। अब अगली जो लाइन है, इक्वल टू 10 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 48, तो ये था ही, इन दोनों को प्लस कर दिया, 42 हो गया। अब अगली जो लाइन है वो करली ब्रैकेट को ऑफ करने की है, क्योंकि 2 डिजिट करली ब्रैकेट के अंदर हैं। यहाँ पर हम देखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 डिजिट हैं, करली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 डिजिट हैं, उन 2 डिजिटों को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 48 माइनस 42 माने कि 48 में से 42 को माइनस करके कितना आएगा वो यहाँ लिखेंगे, ये आया आपका 48 में से 42 को माइनस किया, 48 माइनस 42 इक्वल टू 6, ये 6 हमने यहाँ पर लिख दिया और करली ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। अगली लाइन जो है 10 माइनस बिग ब्रैकेट 8 माइनस 4 माइनस, इधर तक इसी में था 4 माइनस, और यहाँ से जो रिजल्ट आया, जो घटाकर आया, जो सब्सट्रैक्ट करके आया, वो 6 आया, वो 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब अगली लाइन में भी हमको ध्यान देना है, ये 8 जो है ये प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है, ये 4 माइनस का है, ये 6 माइनस का है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस वाले को प्लस करेंगे और प्लस करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू 10 माइनस बिग ब्रैकेट 8 माइनस 10। 10 कौन सा हुआ, ये दोनों का ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, और साइन किस चीज का आया, माइनस का ही आया। यहां पर हम देखेंगे साइनस उसके साइन माइनस उसका ही आया। मींस इज इक्वल टू अब हो गया 10 माइनस 8 माइनस 10। 8 में से 10 माइनस नहीं होता, लेकिन 10 में से 8 माइनस जरूर होता है। माइनस 10 प्लस 8, जब इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस के बचेंगे कितने, बचेंगे 2। वही चीज हमने किया, माइनस के 2 बचाए। और अब जाके बिग ब्रैकेट, जब यहां एक फिगर बच गई क्योंकि ये माइनस की थी, अदरवाइज इधर ही पर सॉल्यूशन हो जाता है इसका, इधर ही पर खुल जाता। यहां पर हमें कंफ्यूज हो रहा है, अभी हमने मल्टीप्लाई सीखी चिन्हों की गुणा सीखी, माइनस साइन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों के बीच में जब ब्रैकेट ऑफ होगा तो इधर पर मल्टीप्लाई होगी। जब दो एक समान चिन्हों की मल्टीप्लाई होती है तो उधर पर उसका रिजल्ट जो है, उसका जो रिजल्ट आता है वो प्लस में आता है। 10 प्लस 2, 10 और 2 को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 12, दैट्स ऑल। क्लास वर्क की ही तरह सेम होमवर्क भी है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 5 बिग ब्रैकेट 7 माइनस 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 25 प्लस 16 माइनस 5 बार ब्रैकेट प्लस 11 कर्ली ब्रैकेट प्लस 75 बिग ब्रैकेट। यहां पर देखेंगे पहले हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बार ब्रैकेट के अंदर जो जो मेटेरियल है, 16 माइनस 5 इसका प्रोडक्ट आता है, 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 आता है। शेष सब वैसी की वैसी फिगर हमको लिख देनी है। इक्वल टू 5 बिग ब्रैकेट 7 माइनस 3 प्लस कर्ली ब्रैकेट 25 प्लस, ये इसका जो रिजल्ट आया माइनस करके वो 11 आया, 11 प्लस 11 यहां है कर्ली ब्रैकेट प्लस 75। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन तीनों चीजों को चूंकि इनके अंदर प्लस 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 है, ये भी प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, इससे पहले प्लस है, इससे पहले प्लस है, इन तीनों प्लस को प्लस कर देंगे तो 47 इसका प्रोडक्ट आता है, और कर्ली ब्रैकेट को हटा देंगे, शेष चीजें वैसे ही लिख देंगे। इक्वल टू 5 बिग ब्रैकेट 7 माइनस 3 प्लस 47 प्लस 75। अब यहां पर देखेंगे 7 से पहले कोई साइन नहीं है, इधर पर ये प्लस माना जाएगा, 3 से पहले माइनस है, माइनस माना जाएगा, 47 से पहले प्लस है, प्लस का है, 75 से पहले प्लस है, प्लस है। तो प्लस को और प्लस को, मींस 7 प्लस 47 प्लस 75, 7 प्लस 47 प्लस 75, इन तीनों को प्लस कर देंगे। कीजिए 7 टू जा 12, 7 टू जा 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 19 कैरी 1, 7 प्लस 4, 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12 129। ये देखेंगे 129, और ये माइनस 3 था, माइनस 3 पीछे लिख दिया, इसको माइनस 3 लिखा, बिग ब्रैकेट लगा दिया। अब अगले जो फिगर होगी 129 में से 3 को माइनस कर देंगे, जो माइनस करने वाली 3 है उसको 3 को माइनस कर देंगे, 3 को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 2 का 2 1 इज 1, मीन्स 126 आया। 126 इन दोनों के बीच में, यहां पर हमको ध्यान देना है, इन दोनों के बीच में यहां पर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जिस समय ओपन होगा उस समय ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहां पर भी कोई चिन्ह न होने पर और यहां पर भी कोई चिन्ह न होने पर। जब ब्रैकेट ऑफ होता है, ध्यान देंगे ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट से पहले और ब्रैकेट के बाद यदि कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगी। वैसे ही हमने किया 5 मल्टीप्लाइड बाय 126, 5 और 126 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 126 इंटू 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 13, 5 1 जा 5 और 1 6, 630 इसका आंसर आया, दैट्स ऑल।